राजस्थान की राजनीति में हर पल कोई ना कोई नई बड़ी अपडेट आ रही है और इसी तरह की अपडेट लेकर फिर से हम हाजिर हैं आपके पास। कल रात से आज सुबह तक की बात करें तो कई खबरें आई हैं और कई ऐसी सियासी चर्चाएं उठी हैं जिनसे आम जनता को जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है और वही खबरें लेकर हम आपके पास हाजिर हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि कल देर रात सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। साथ ही कल देर रात से ही कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेपी नड्डा जब उनके साथ होंगे उस दौरान सचिन पायलट बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद सचिन पायलट ने खुद ही एक चैनल पर बयान देकर ये स्पष्ट किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद सुबह से ही आज एक खबर आ रही है कि सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाने के मूड में है जिसका नाम बताया जा रहा है प्रगतिशील कांग्रेस। उनका कहना है कि उनके पास 20 विधायक हैं, साथ में पहले दौर में 20 विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे और कहा जा रहा है जो ये विधायक दल की बैठक है उसके बाद इसी संख्या में विधायक और उनके पास पहुंच सकते हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत के साथ ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता दिल्ली से जयपुर आ चुके हैं और पूरी गठजोड़ में लगे हुए हैं। वहीं सभी नेताओं का और कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि राजस्थान में सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। साथ ही अगर कोई गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, यहाँ से दूर है, उन्हें मनाने की कोशिश होगी, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं और आज विधायक दल की बैठक में नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम राजस्थान में घटा है। आज सुबह ही इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं कांग्रेस के कई पुराने नेताओं के घर पे, जिसमें जो सबसे प्रमुख दो नाम है धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा, ये दोनों ही सीएम अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ और राजीव अरोड़ा अधिकतर सीएम अशोक गहलोत को सलाह देते नजर आते हैं और सीएम अशोक गहलोत भी उनकी सलाह को बेहद ही तवज्जो देते हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के करीबियों के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ना साफ तौर पर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब साफ तौर पर सीएम अशोक गहलोत के सामने खड़ी हो गई है। वहीं अशोक गहलोत पूरी तरह से टक्कर ले रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर उनके खुद के ही दल के कुछ विरोधी जो कि अब बागी बन चुके हैं। राजस्थान में हर मिनट कुछ ना कुछ नया घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ राजस्थान की सरकार हो, संगठन हो या फिर केंद्र की तरफ से बीजेपी के जो रुख है, हर पल कुछ ना कुछ नया एक तथ्य निकल के सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें बनाई हुई हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आज का दिन बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाला है। ऐसे में आज के दिन में क्या कुछ बदलाव आते हैं या क्या साफ होती है पूरी जो एक तस्वीर है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अब विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। इसके बाद स्पष्ट होगा। विधायक दल की बैठक में कई मंत्रियों नेताओं का पहुँचना, विधायकों का पहुँचना जारी है सीएमआर में। ऐसे में देखना होगा कि अब आगे किस रुख क्या रुख जाता है राजनीति का और राजस्थान की सरकार और जो राजस्थान में ये उठा पटक मची हुई है ये किस तरफ जाती है और कैसे शांत हो पाती है। इसी तरह की खबरों के लिए दायंगल देखते रहिए। पल पल के अपडेट हम आपको ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि हर पल की राजनीति की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। नमस्कार।